हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक स्मार्टफोन यूज़र के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी, स्मार्टफोन बैटरी चार्जिंग के बारे में कि हम अपने स्मार्टफोन को कैसे हम चार्ज करें। तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और वीडियो को कंटिन्यू रखने से पहले लाइक कर देंगे। मेरा नाम है कौशल चौबे और आप देख रहे हैं एडिट गुरु। चलिए शुरू करते हैं। आजकल के मॉडर्न टाइम में हम सभी तो स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं और स्मार्टफोन यूज़ करने का मतलब है कि हमें कभी ना कभी बैटरी को तो चार्ज करना ही होगा। बट हम एक गलती करते हैं, हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को गलत तरीके से चार्ज करते हैं, जो कि उसका इम्पैक्ट होता है कि हमारे बैटरी को लॉन्ग टाइम तक टिकने नहीं देता है। तो उस गलती को हम सुधारने के लिए मैं आज कुछ 5 टिप्स बताने वाला हूं, जो कि हम अपने यूज़ करके हम अपने स्मार्टफोन के बैटरी को लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने पहले टिप्स की ओर। हमारा पहला टिप्स है, जैसे कि हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए बहुत लोग होते हैं कि हम किसी भी चार्जर का यूज़ कर लेते हैं, थर्ड पार्टी चार्जर या किसी भी डुप्लीकेट चार्जर का यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे बैटरी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। वो हमारे बैटरी को बहुत ही बुरे तरीके से चार्ज करता है, फ़ोन को हॉट कर देता है, तो हमारे बैटरी के लिए सही नहीं होता है। तो हम उसे चार्ज करने के लिए या अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें, ताकि हमारा फ़ोन का बैटरी लॉन्ग टाइम तक एक्सपेंड कर सके और हम उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। तो मेरी पहली टिप्स यही थी। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप्स की ओर। दूसरी टिप्स है, हम अपने फ़ोन को जब चार्ज करने जाते हैं तो यूज़ करने के तुरंत ही बाद हम अपने फ़ोन को चार्ज करने जाते हैं या कुछ देर के बाद, उस टाइम हमारा फ़ोन हॉट रहता है या थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर पर रहता है। आफ्टर हम जब चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद हमारा फ़ोन कुछ थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो हम अपने फ़ोन को चार्ज लगाने से पहले अपने बैक कवर, जो हम अपने फ़ोन में बैक कवर लगाए रहते हैं, उस बैक कवर को रिप्लेस कर दें, मतलब कि उस फ़ोन से निकाल दें जब तक हम अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के बाद वापस हम अपने कवर को लगा लें ताकि अपने फ़ोन को सेफ्टी रख सकें। तो बैक कवर पहले निकाल दें, उसके बाद ही अपने फ़ोन को चार्ज करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की ओर। देखते हैं हमारा थर्ड टिप। फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स है, हम अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं। जैसे कि हमने रात को फ़ोन यूज़ किया और यूज़ करने के बाद अपने फ़ोन को हम चार्ज में लगा देते हैं और वो चार्ज लगाने के बाद हम सुबह ही उठने के बाद उसे देखते हैं कि वो 100% चार्ज हो, उसके बाद ही हम निकाल देते हैं। उस दौरान हमारी फ़ोन लगभग से एक से सॉरी दो से तीन आवर में हमारी फ़ोन चार्ज हो जाती है, बट हम उसे तीन हम पूरे रात भर के लिए चार्ज में लगा कर छोड़ देते हैं ताकि वो 100% हो जाए। बट हम ये गलत करते हैं, 100% हो जाने के बाद हम अपने फ़ोन को निकाल देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी चौथी टिप्स है, हम अपने फ़ोन को 100% चार्ज कर देते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, वो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे घर में मेरे नाना जी भी अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज करते हैं या बार बार अपने फ़ोन को चार्ज लगाते रहते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि 80% हुआ उसे चार्ज लगा दिया, 70% हुआ उसे चार्ज लगा दिया, जो कि बहुत गलत है। हमें कभी भी 100% चार्ज नहीं लगाना चाहिए और ना ही बार बार उसे चार्ज लगाना चाहिए। कभी 100 या 80 हो या 70 हो, उसे कम से कम 20 होने दें, 20% होने के बाद ही उसे चार्ज लगाएं। और चार्ज लगाने के बाद 100% का वेट नहीं करें, 90 भी हो तो आप निकाल लें, 95 भी हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90% तक कम से कम आप उसे चार्ज करें, उसके बाद आप निकाल लें, 100% कभी नहीं करें। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। चलिए बढ़ते अपने पाँचवें टिप्स की ओर। हमारा पाँचवा टिप्स है 0%। बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे मेरे पापा की आदत है, मेरे पापा जब तक फ़ोन 0% नहीं हो जाता तब तक उसे चार्ज नहीं लगाते हैं और 100% होने के बाद ही निकालते हैं। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है, जो कि सभी लोग मैक्सिमम लोग करते हैं, जैसे मेरे पापा करते हैं। तो 0% होने का वेट नहीं करें, 0% होने से पहले ही जैसे कि मैंने फोर्थ टिप में बताया है कि 20% होने के बाद चार्ज लगा दें, वैसे ही आप 20 या 15% होने के बाद आप उसे चार्ज लगा दें। 0% होने का कभी वेट ना करें और 100% होने से पहले उसे चार्ज से निकाल दें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स बैटरी चार्जिंग के लिए, जो कि हमारे फ़ोन के बैटरी को ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकती है, लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाए अपने बैटरी को। इसके लिए हमारी ये 5 टिप थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को, ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो डालूं तो आपे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।